औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। ओपन योर बुक ऑफ एसएसटी एंड प्रिपेयर इट फॉर एक्सरसाइज। टुडे आवर टॉपिक इज वर्क। आज का हमारा टॉपिक है वर्क और डेट है 19 दिसंबर। आज हम वर्क का वर्क पेश करेंगे। सब बच्चे अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 46 है वर्क पेज। इसको सॉल्व आउट करना है। ए पार्ट, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके नीचे कुछ जुमले हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है। वर्ड कौन कौन से हैं? स्किल्ड, वॉलेंटियर, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, प्रोफेशन, वेज, सैलरी, जॉब। अब इन वर्ड्स के साथ हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। व्हेन यू गेट अ डैश, यू आर पेड अ डैश और डैश। इसमें वर्ड कौन 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 से वर्ड्स यूज होंगे? व्हेन यू गेट अ जॉब, यू आर पेड अ सैलरी और वेज। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सम पीपल आर डैश, तो इसका आंसर है वॉलंटियर एंड दे वर्क फॉर फ्री। अ फैक्ट्री वर्कर इज अ डैश और डैश, तो इसके आंसर्स हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। मैनुअल लेबरर्स आर यूजली डैश, तो इसका आंसर है अनस्किल्ड। सम जॉब्स सच एज टीचिंग और बीइंग अ डॉक्टर आर अ प्रोफेशन। ये थे सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपकी थॉट्स हैं। बी पार्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे? यूज़ द फॉर्म बिलो टू नोट डाउन योर थॉट्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वहाँ पर आपने अपनी थॉट्स यानी अपनी ख्यालात, अपनी सोच को लिखना है कि आप क्या बनना चाहेंगे। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब या बड़ी होंगी, आई वुड लाइक टू बी अ, तो मैं क्या बनूंगा या क्या बनूंगी? यहाँ पर डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आपने अगर आप डॉक्टर बनना चाहते तो लिखेंगे, अगर आप जो भी प्रोफेशन को चूज़ करना चाहेंगे तो वो लिखेंगे। यहाँ पर डॉक्टर है, उसके मुताबिक अब हमने सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब है मज़ामीन, मज़मून। आई नीड टू स्टडी, जिनको मुझे पढ़ने की ज़रूरत है वो कौन कौन से मज़ामीन हैं? फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स। थिंग्स आई विल डू व्हेन आई एम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू बी टू हेल्प द नीडी पीपल। इसमें ये कहा गया है कि जब मैं बड़ा होऊंगा या बड़ी होंगी तो मैं क्या बनूंगा या क्या बनूंगी? अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर लिखेंगे, अगर टीचर बनना है टीचर लिखेंगे, अगर आपने जो भी बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर लिखेंगे। तो उसके मुताबिक आपने अपने सब्जेक्ट्स को लिखना है कि उस जो आप बनना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत होगी। पढ़ने के बाद फिर आप क्या बनेंगे? अगर आप जो बनेंगे, अगर डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बन के आप क्या करना चाहेंगे? तो अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर आप लोगों की मदद करना चाहेंगे। अब है नेक्स्ट स्लाइड, सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग प्रोफेशंस विद देयर डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस यानी शोबे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शंस यानी उनके काम दिए गए हैं। आपने प्रोफेशन को उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल, एन एक्टर, एक्टर क्या काम करता है?
आपने मैच करना है एक्ट एंड प्ले एंड फिल्म्स कि एक्टर किस में प्ले करता है यानी किस में किरदार अदा करता है फिल्म में, फिल्म बनाने में, ठीक है। तो इसको हम मैच करेंगे एक्ट इन प्ले एंड फिल्म्स, उसके साथ है एन एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर का मतलब है सितारों के बारे में इल्म हासिल करने वाला। तो इसको मैच करेंगे हम स्टडी द स्टार्स। अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कौन होता है जो दांतों का इलाज करता है। तो इसको हम मैच करेंगे चेक पीपल्स टीथ, लोगों के दांतों को चेक करता है। उसके बाद है अ सेलर, सेलर क्या काम करता है, शिप यानी जहाज पर काम करता है। तो इसको हम मैच करेंगे वर्क ऑन अ शिप। उसके बाद है अ सोल्जर, सोल्जर कहते हैं सिपाही को, सिपाही क्या काम करता है। तो इसको हम मैच करेंगे डिफेंड्स द कंट्री, हमारे मुल्क का दिफा करता है। एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला। वर्क विद नंबर्स एंड सम्स, उसके बाद है आ बेकर, बेकर क्या काम करता है, मेक्स ब्रेड एंड केक्स। उसके बाद है अ पायलट, पायलट क्या काम करता है, पायलट यानी जहाज उड़ाने वाला। फ्लाइज एरोप्लेन यानी जहाज उड़ाता है। अ शेफ, शेफ कहते हैं खाना बनाने वाले को। तो इसको हम मैच करेंगे कुक्स फूड यानी खाने पकाता है। ये था आपका वर्क पेज, इसको आपने अच्छे तरीके से मैच करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे है आपकी डायरी लर्न क्लास वर्क, आपने पेज को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना है, सॉल्व आउट करने के बाद इस पेज को आपने लर्न भी करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।